नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को दिखेगा। 6 राशियां होंगी करोड़पति। जी हां दोस्तों, 20 अप्रैल को लगने वाले साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। 6 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। ये 6 राशि करोड़पति बनने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी हैं जो कि 20 अप्रैल को लगने वाले साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण के प्रभाव से करोड़पति बनने वाले हैं। ये 6 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 6 खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ 20 अप्रैल को लगने वाला साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतक काल का सही समय, सूतक काल किस समय से किस समय तक रहेगा, सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी रहेगी, कितने समय तक रहेगी, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विशेष जानकारियाँ, सावधानियाँ उनको रखनी है, क्या खाना चाहिए और साथ ही साथ कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं अपने फायदे के लिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी वीडियो साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें, सर्वप्रथम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को आप एक लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहण का विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक रूप से सूर्य ग्रहण को शुभ घटना नहीं माना जाता, क्योंकि ये वो समय होता है जब सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और सूरज ग्रस्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण की वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि विशेष धार्मिक मान्यता भी है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो ये ग्रहण घर परिवार और व्यक्ति के स्वयं के जीवन को कुछ खासा प्रभावित नहीं करता, लेकिन कुछ जरूरी बातों का ध्यान में न रखा जाए तो मान्यता अनुसार वो व्यक्ति को नकारात्मक तौर से प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को लगेगा और साथ ही साथ आपको बता दें, साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ज्योतिष कैलेंडर के अनुसार साल के पहले सूर्य ग्रहण की तारीख 20 अप्रैल है और ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल की सुबह 7:04 पर लगेगा और दोपहर यानी कि 20 अप्रैल की दोपहर 12:29 तक रहेगा। सूतक काल की बात करें तो दोस्तों, इस ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकता है। ये उपचायक ग्रहण होगा और एशिया के कुछ देशों के साथ साथ ये सूर्य ग्रहण और ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और अटलांटिका आदि में दिखाई देगा। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि ग्रहण की विशेष मान्यता होती है, जिसके चलते ग्रहण लगने पर प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
विभिन्न राशियों पर पड़ सकता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ज्योतिष के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें, ग्रहण के वक्त घर के अंदर ही रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, एकदम से जागते रहना चाहिए और सूर्य ग्रहण के दौरान प्रातः भगवान का नाम या महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु मंत्र और भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। हमेशा सूर्य ग्रहण से पहले और सूर्य ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण की किरणें घर के अंदर ना जाएं, इसके लिए आप खिड़कियों को बंद कर दें या फिर मोटे पर्दे से ढकना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के दौरान आप क्या ना करें, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन, खाना बनाना आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप भोजन करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करें कि भोजन जो भी बनाएं खाएं, उसमें आप एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, इसके बाद आप भोजन करें। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जन्म दोष हो सकता है, शिशु पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। ध्यान रखें, नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, पिन, सुई, कैंची आदि का बिल्कुल भी भूलकर आप इस्तेमाल ना करें और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के को देखने से भी बचना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि 20 अप्रैल को लगने वाले साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण के प्रभाव से करोड़पति बनने वाली हैं। ये 6 राशि वाली धन से मालामाल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली 6 राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन 6 भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बता दें, मिथुन राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही साथ आपके अटके हुए सभी कार्य होने के संकेत हैं। विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा, घर परिवार में खुशियां होंगी, जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ आप नौकरी के क्षेत्र में प्रयास जो आपका चल रहा है, नौकरी प्राप्त करने को लेकर वो प्रयास सफल होगा, आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना दिखाई दे रही है, गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो राशि है मेष राशि। मेष राशि लोगों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण इनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है। मेष राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा, मेष राशि वालों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति शुभ रहेगी, साथ ही साथ आपके इनकम के क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी, चारों तरफ से आपको अब लाभ ही लाभ मिलेगा, आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ में इस राशि वालों को बता दें, आपके कार्य की
चारों तरफ से जमकर तारीफ की जाएगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसाय से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लोग किसी नए कार्य की शुरुआत करने पर विचार भी बना सकते हैं। आपके लिए बता दें, समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय साबित होगा। आपको ये बता दें कि आप अपने स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि आपको चारों तरफ से इस बार के सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लाभ ही लाभ मिलने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको भूमि और भवन से जुड़े मामले सुलझाने के साथ ही आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेक शुभ संकेत हैं। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली साबित होगा। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण इनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है। मेष राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको बता दें, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। मेष राशि वालों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति शुभ रहेगी। साथ ही साथ आपके इनकम के क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। चारों तरफ से आपको अब लाभ ही लाभ मिलेगा। आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ में इस राशि वालों को बता दें, आपके कार्य की चारों तरफ से जमकर तारीफ की जाएगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बढ़ेंगे। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसाय से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लोग किसी नए कार्य की शुरुआत करने पर विचार भी बना सकते हैं। आपको बता दें, ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय साबित होगा। साथ ही साथ आपको ये बता दें, आप अपने स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें, आपको चारों तरफ से इस बार के सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लाभ ही लाभ मिलने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों, आपको इस दौरान चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस समय में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है।
दोस्तों आपको बता दें, आपको चारों तरफ से आर्थिक तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि की भी संभावना है। साथ ही साथ आपको इस दौरान आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आप निवेश करने पर भी ध्यान केंद्रित करें तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ इस ग्रहण के दौरान कार्य संबंधी मामलों को लेकर आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। वे यात्राएं आपके लिए बहुत भाग्यशाली और शुभ साबित होंगी। ये यात्राएं आपको आर्थिक लाभ दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों, आपके घर में इस दौरान खुशियों का माहौल होगा। आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। आपके साथ आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। व्यापारिक लोगों को धन लाभ अधिक होगा। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों, आपको इस दौरान आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे और आपको नौकरी में प्रमोशन से धन लाभ मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों, आपको इस दौरान चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको कार्यस्थल में सफलता हासिल होगी। आपके काम को सराहा जाएगा। आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अगर किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस दौरान आपको धन अर्जित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। आपको कहीं से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आपको इस दौरान चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। धन लाभ प्राप्ति के अनेकों संकेत आपके लिए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या फिर मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो उनको ये योजना भी जल्द ही पूरी हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए धन लाभ के अनेकों संकेत नजर आ रहे हैं। जीवन साथी की तरफ से खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपको बता दें, आपके व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। साथ साथ कुंभ राशि वालों, आपको सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का समाधान होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरियाँ प्राप्त होने वाली है जिससे इनके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए कुंभ राशि वालों अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगली राशि जो है वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इससे आपको धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्यस्थल में आपका मान सम्मान हासिल होगा। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापारी जातकों के लिए ये ग्रहण शुभ फलदायी साबित होगा। इस दौरान आप कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपका धन लाभ होगा। साथ ही साथ सरकारी नौकरी वाले लोगों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें किसी अच्छी नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। कार्यस्थल में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अच्छे योग हैं। जो लोग नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उनकी योजनाएं सफल होंगी। आपको धन अर्जित करने
करने के इस दौरान बड़े बड़े मौके मिल सकते हैं। इन मौकों को आप भरपूर लाभ उठाएं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का समाधान भी हासिल कर लेंगे। साथ ही साथ तुला राशि वालों, आपके घर परिवार में इस दौरान खुशियों का माहौल रहेगा। आपके घर परिवार में चारों तरफ से खुशियों का आगमन होगा। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों, आप महसूस करेंगे कि ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय है। जी हाँ दोस्तों, खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जो कि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से धन से मालामाल होने वाली है, चारों तरफ से भाग्यशाली और खुशनसीब राशियों को चारों तरफ से खुशखबरियां प्राप्त होंगी। अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।